तो दोस्तों, हम चंद्रप्रभा अभयारण्य का सेकेंड पार्ट लेके आ चुके हैं। इस पार्ट में हम आपको राजदरी और देवदरी जलप्रपात घुमाएंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आगे आप वीडियो एंजॉय कीजिए। यहाँ से अहिरौरा 20 किलोमीटर, शिकारगंज 11 किलोमीटर, आप देख सकते हैं बोर्ड में। ये देखिए जलेबिया मोड़ जैसा मोड़ है, बहुत ही काफ़ी घुमान है। इसका एंगल बताएं तो आप देख कर जान सकते हैं, सीधी सीधी है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। भैया दौड़ रहे हैं, लग रहा है कि आर्मी का रेस निकालेंगे। देख रहे हैं तीनों भैया लोग हैं, रनिंग कर रहे हैं। मंजिल से तो खूबसूरत रास्ता दिख रहा है। यहीं पे आप उन लोग को दुकानें देखने को मिल रही हैं, जो कि स्नैक वगैरह पानी वानी मिल जाएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। श्री महुआ बाबा सेवा आश्रम आप देख रहे हैं। जैसे हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए कहा जाता है जल ही जीवन है, उसी तरह हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधे भी बहुत ज़रूरी हैं। ये है कोइलरवा हनुमान स्मृति द्वार, जो कि हम लोग को टाइम मिलेगा तो आप लोग को जरूर कोइलरवा हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। आगे आगे हम लोग पहले राजदरी के लिए निकल रहे हैं। ये है फोटो पॉइंट, अगर आपको मौका मिले कभी तो ज़रूर यहाँ पे आइए और खूबसूरती का आनंद उठाइए। फाइनली हम लोग चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य राजदरी मेन गेट द्वार पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूचना बोर्ड लगा है, आपको दिखा दे रहे हैं। बगल में यहाँ टिकट कट रहा है, यहाँ पे कुछ इधर। आप देख सकते हैं हमने टिकट ले लिया है, प्रत्येक व्यक्ति का 50 रुपया, रोड टैक्स 20 रुपया, 20 रुपये पार्किंग का लग रहा है। अगर आप टू व्हीलर या बस वगैरह ला रहे हैं तो शुल्क अलग अलग हो सकता है। टिकट लेने के बाद आप मुख्य द्वार से भी जा सकते हैं और एक रास्ता चंद्रप्रभा बांध से भी जाता है। ये रास्ता मुख्य द्वार से थोड़ा बगल में है तो हम इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने टिकट ले ली है। आप जब भी यहाँ आएँ टिकट अवश्य ले लें। अभी हम बांध पर आ चुके हैं, सामने देख सकते हैं। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश बहुत कम हुई है, इसलिए बांध में बहुत पानी कम है। हम बांध के नीचे आ चुके हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस बांध में किसी भी नदी का पानी नहीं आता है, सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा होता है, इसलिए बारिश अगर नहीं हुई तो बांध से पानी नहीं गिरता है।
इसलिए आप जब भी यहाँ आएँ बारिश के मौसम में ही आएँ। वैसे राजदरी देवदरी जलप्रपात वर्ष भर खुला रहता है। हम बांध से निकलने वाली नदी के किनारे किनारे जाएंगे। पानी बहुत कम है तो हम आसानी से नदी के साथ साथ जा सकते हैं। इसी नदी का पानी आगे जाकर राजदरी जलप्रपात और देवदरी जलप्रपात में गिरता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे फ्रेंड लोग आगे जा रहे हैं। इस नदी में पानी से ज़्यादा तो पत्थर दिख रहा है। आप लोग देख रहे हैं ऐसा नज़ारा आप लोग को बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आप लोग को इस सावन का पावन महीने में हम लोग राजदरी के लिए निकले हैं। ये बहुत घना जंगल एरिया है। आप भी इस जंगल के रास्ते से डैम के रास्ते से आकर इस जंगल का आनंद उठा सकते हैं। आपको मुख्य बातें बता दें कि चंद्रप्रभा डैम से जंगल के रास्ते से राजदरी जलप्रपात के लिए जाने के लिए लगभग दूरी इसका 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि इस रास्ते से अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। ये एरिया बहुत ही खतरापूर्ण है। जैसे इसमें जानवर भी कोई जंगली सुअर शेर भालू चीता सब बहुत सारे सांप बिच्छू अनेक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, एकदम फील्ड जैसा ग्राउंड जैसा ऊपर है एकदम। यहीं पर रेस्ट करेंगे और हम लोग कुछ खाने पीने के लिए सामान लाए उसको खाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम बारिश हो रहा है। हम लोग इस बारिश में भींग रहे हैं और हमारे फ्रेंड लोग आगे जा रहे हैं देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग चंद्रप्रभा डैम और राजदरी डैम का आनंद लेते हुए आगे चल रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग पहली बार इस मंजर का नज़ारा देख रहे हैं, जो कि पानी से ज्यादा आपको पत्थर दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रहा था, अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। आपको सिटी का आवाज सुनाई दे रहा होगा। वहीं पे खड़े हैं दो लोग डंडे लेकर, जो कि यहाँ के सिक्योरिटी के रूप में हैं। हमारे फ्रेंड आगे निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी से आप आ जाइए, हम भी उनका पीछा करते करते आगे चल रहे हैं। ब्लॉग बना रहे होगा? जी यस। अरे अपना चैनल बता दे। चंदौली ब्लॉगर। नहीं भाई मत लो यार, उनके फेमस हो जाएंगे हम लोग। नहीं ले लिए। बिजली गर्जन कर रहा है। अभी थोड़े समय पहले बारिश हुआ है, इसलिए अभी मौसम बारिश का बना हुआ है। अब हम लोग चंद्रप्रभा डैम से राजदरी वाटरफॉल के लिए निकल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको चंद्रप्रभा वाटरफॉल का नज़ारा दिखाएंगे। इधर कुछ पर्यटक बैठे हुए हैं और
आगे भी आप देख रहे हैं आते जाते हैं। यहाँ पे गेट लॉक कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम लोग इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, आपको राजदरी वाटरफॉल का नज़ारा खूबसूरती दिखाएंगे। और यहाँ पे पर्यटक के लिए बैठने का भी आराम गृह बनाया गया है, आराम फरमाने के लिए, आप देख रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं और पुरुष बैठे हैं। आगे हमने आपको वीडियो में बहुत सारे टूरिस्ट पर्यटक को दिखाया, जो कि जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ ही अपना खाने पीने का व्यवस्था करके बना रहे हैं और खा पी रहे हैं। सेल्फी लेने वाले हैं। जब पानी आता है तो आप बहुत ही सावधानी बरते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से घटनाएं हो चुकी हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे यूपी पुलिस खड़े हैं, जो कि पर्यटक पे ध्यान दे रहे हैं। आपको राजदरी वाटरफॉल का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। हम लोग फाइनली सेल्फी पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से भी आप वाटरफॉल का नज़ारा देख सकते हैं। आपको सामने रेलिंग ये सब दिखाई दे रहा होगा, यही सेफ्टी के लिए। अगर आप रेलिंग डालकर अगर उस पर स्नान कर रहे हैं तो कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है और उसके बहाव से आप, या अधिक हो सकता है उसके बहाव से आप इसमें गिर सकते हैं, जिससे आपकी खतरनाक मृत्यु हो सकती है, जो कि आपके टूर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आप आए यहाँ तो सावधानी पूर्वक ही इस पर्यटक टूरिस्ट स्थल का मजा लें, राजदरी वाटरफॉल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक बहुत आए हैं, जो कि बहुत ही सावधानीपूर्वक रेलिंग के इसी पार से वाटरफॉल का नज़ारा ले रहे हैं और खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। आगे चलते हैं, दूसरे सेल्फी पॉइंट से आपको वीडियो दिखाते हैं राजदरी वाटरफॉल का। आपको बता दें कि इस राजदरी वाटरफॉल का सेल्फी पॉइंट बहुत से हैं, जो कि हम हर एक सेल्फी पॉइंट से होकर आपको इस राजदरी वाटरफॉल का नज़ारा दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। अगर बगल में आप देख सकते हैं कुछ लेडीज भी हैं जो कि फोटो शूट कर रही हैं। और झरना बहुत कम मात्रा में गिर रहा है, जो कि जब इसका पानी चंद्रप्रभा डैम से छोड़ा जाता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे गिरता है, जो कि बहुत खतरनाक दिखने में लगता है इसका मंजर। फिर भी ये कम नहीं है, आप आएँ तो सावधानी बरतें। आप देख सकते हैं इसका गहराई और आप देख सकते हैं चट्टानों की कितनी कटाई हो गई है और धार धार दिख रहा है चट्टानों में। ये पानी के कटाव से इतना चट्टान कटा है और इतना ज़्यादा गहरा हो गया है पानी के गिरने से। आपको गहराई बता दें कि जितना दिख रहा है उतना और नीचे है। यहाँ पे आने पर आपको
बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम लोग यहाँ से राजदरी के लिए, देवदरी के लिए निकलेंगे। आपको राजदरी हमने फाइनली सब घुमा दिया, अब देवदरी के लिए निकलेंगे। ये रहा आपका राजदरी वाटरफॉल, जो कि इसका खूबसूरत नज़ारा रहा, आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा जैसा कि हमने दिखा दिया है आपको। यहाँ पे बहुत से पर्यटक आए हैं, आपको हमने उनका भी दिखाया क्या कर रहे हैं, फ़ोटोशूट कर रहे हैं और इस फोटो पॉइंट का आनंद ले रहे हैं, फ़ोटोशूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये भी राजदरी वाटरफॉल का एक फोटो पॉइंट है, फोटो शूटिंग है। राजदरी जलप्रपात के बगल में यह एक छोटा सा पार्क जैसा बनाया गया है। यहाँ पर एक फवारा भी है जो अभी बंद है। सूरज दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से धीरे धीरे करके आपको दिखाते जाएंगे और राजदरी से अब देवदरी के लिए निकल रहे हैं। आपने राजदरी का नज़ारा देख लिया और राजदरी में जो थोड़ा बहुत बचा है आगे हम करके धीरे धीरे आपको दिखाते हुए देवदरी के लिए निकलेंगे। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कुछ फ्रूट्स, स्नैक, पानी, वाटर वगैरह मिल जाएगा। ये राजदरी आप देख सकते हैं, ये है राजदरी का वाहन स्टैंड जिसपे लिखा है वाहन सड़क के बगल में हटाकर खड़ा करें। ये सीधे हम लोग राजदरी से बाहर के लिए मेन गेट के लिए जाएगा और यहीं से एक रास्ता है देवदरी के लिए। अब हम लोग देवदरी के रास्ते पे पहुंच गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन सेकेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजदरी जलप्रपात सामने दिया है और आपको आगे हम चल के बता रहे हैं। ये वाला रास्ता जो है राजदरी के लिए है, जलप्रपात के लिए है। दूसरा इस साइड जो रास्ता है देवदरी जलप्रपात के लिए, और इसी में पार्किंग के लिए जो हमने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे देवदरी जलप्रपात के लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, अब हम लोग निकल रहे हैं देवदरी जलप्रपात के लिए। हम आप लोग को सेल्फी पॉइंट से अच्छे से राजदरी का नज़ारा दिखा रहे हैं, जैसा कि इस नाम में ही छुपा हुआ है, राजदरी देवदरी, आप इससे समझ सकते हैं देवदरी, यहाँ देवों का स्थान होगा। हम धीरे धीरे सेल्फी पॉइंट पे चढ़ रहे हैं। हमने उस सेल्फी पॉइंट से, देवदरी के उस सेल्फी पॉइंट से, अब हम दूसरे सेल्फी पॉइंट पे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब हम लोग इस वाले सेल्फी पॉइंट से आप लोग को देवदरी का खूबसूरती दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा मकान जैसा बनाया गया है, जो कि पर्यटकों के लिए, जैसे बरसात हो गया या आराम करने के लिए धूप में, वहाँ पे भी एक बना है और एक यहाँ पे भी बना है। और आपको हमने जंगल एरिया सब दिखा दिया है, सब ये सब जंगल एरिया है। इसमें आपको हमने बताया कि तेंदुआ, जंगली सुअर, सांप, पक्षी के अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। अब हम लोग दूसरे सेल्फी पॉइंट पर धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और यहाँ से भी देवदरी का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम बारिश सावन की हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत पे कुछ, इस फ्लोर पे कुछ पानी भी भरा है, जिसमें हम लोग आपको जाकर देवदरी के वाटरफॉल का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, और वैसे आपको बता दें कि इस टाइम पानी ही कम आ रहा है, इस चंद्रप्रभा डैम से यहाँ पे कम पानी छोड़ा गया है। अगर उसमें पानी होता तो यहाँ का और खूबसूरती बढ़ जाता। अब हमने आपको ये सब डैम का नज़ारा दिखा दिया है फाइनली। देवदरी से निकलकर अब हम कोइलरवा हनुमान मंदिर जाएंगे।
हनुमान मंदिर हम आपको तीसरे पार्ट में घुमाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।